रूपानुग विरुद्धा सिद्धांत द्वंद हारिणी नमो गौर किशोराय साक्ष देवराग्य मूर्तये विप्रलंबर शांबोधे पदाम्बुजा नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग्रहाय ते गौर विभोर भूमिष्ठम निर्दिष्टम सज्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। पंचाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौरद्विषे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौरद्विषे नमः। सोत्कम कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतो पंगुर्मम मधुरगति मत्सर्वपदाम्भोजो राधा मदन। दिव्य वृंदावरण्यः कल्पपद्रुमादः श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्थु श्रीमद् राधा वशिल गोविंद देवो पृष्ठलीभि सेमानो स्मरामि। श्रीमान राक्षसारम्भी वंशी वट ततस्थित प्रसन्न वेणु स्वर्ण गोपीर गोपीनाथाय श्रीअस्तु नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादिक भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। मेरे पीछे पीछे बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णचंद्र भगवान की मती राधा की श्रील प्रभुपाद जय गौर प्रेमा हे हरि हरि। हे कृष्ण सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। सभी भक्त सद और कल हम लोग किस विषय में चर्चा कर रहे थे? नियमित प्रभु कार्य करने के लिए अमोद प्रमोद तथा अन्य कार्यों को भी हर कार्य को अगर नियमित किया जाए तो हम लोग की भक्ति में सुधार आता है। चाहे वो किसी भी तरह का खाने पीने से लेकर अमोद प्रमोद को भी मतलब लोग नियमित जीवन है ना नियमित और मतलब खाने पीने के विषय में बोला जाए तो नहीं रेगुलर 3 दिन से हम लोग पीने के विषय में ही बात कर रहे हैं है ना। और आज का श्लोक कौन सा है? कितना 6.18 आइए और एक समय ना शुरू करते हैं। श्लोक
सामने में दे रहा हूँ। सिक्स पॉइंट वन एट बहुत ही अच्छा श्लोक है और इसमें जो डिस्क्रिप्शन है क्या है, मैं बोला कि इंटरनेट फेल्योर होने के कारण हम लोग यूट्यूब पे लाइव ना जा सके, कोई बात नहीं, गूगल मीट तो बहुत ही अच्छा डिस्कशन ना, ये यूट्यूब से ज़्यादा बेटर लगता है आप लोगों को या फिर यूट्यूब ज़्यादा बेटर लगता है? श्लोक दिख रहा है सबको? यदा विनियतम चित्तमम, यदा विनियतम चित्तमम आत्मनेव अवतिष्ठते, आत्मनेव अवतिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यः, निस्पृहा सर्वकामेभ्यः युक्त इति उच्यते तदा, युक्त इति उच्यते तदा यदा विनियतम, यदा विनियतम चित्तम, यदा चित्तम। एक व्यक्ति बोलिए, सब लोग बोल रहे हैं तो फिर एक सभी लोग म्यूट करके बोलिए, लेकिन एक व्यक्ति अनम्यूट करके बोलिए, ठीक है? यदा विनियतम चित्तम, यदा विनियतम चित्तम, यदा विनियतम चित्तम, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्मनि एव अवतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो, निस्पृह सर्वकामेभ्यो, निस्पृह सर्वकामेभ्यो, निस्पृह सर्वकामेभ्यो, निस्पृह सर्वकामेभ्यो, निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा, 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 युक्त इत्युच्यते तदा यदा विनियतं चित्त चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, यदा विनियतं चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा, निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यदा विनियतं चित्ततम, यदा विनियतं चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा, यदा विनियतं चित्तम आत्मने अवतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। ओके पढ़िए एक एक करके। यदा विनियतं चित्तम आत्मनेव वात्तिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। सभी लोग पढ़िए, सभी लोग एक एक बार पढ़िए, रिपीट करिए। हरे कृष्णा पढ़िए। आलोक प्रभु पढ़िए। एक सेकंड, एक एक करके सभी लोग पढ़िए। यदा विनी, यदा अरे तो कोई बात नहीं, तमाम
ओके किशन प्रभु पढ़िए। यदा विनियतं चित्तम् आत्मने अवतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। प्रशांत प्रभु। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनेव वावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। नेहा माता जी। हरे कृष्ण। यदा विन्यते चित्तमात्मनैव वाविदतिष्ठे स सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। शब्दादेश प्रकार है यदा जब विनियतम विशेष रूप से अनुसार से चित्तम मन तथा उसके कार्य आत्मनि अध्यात्म में एव निश्चय ही अवतिष्ठते स्थित हो जाता है निष्प्रिय आकांक्षा रहित सर्व सभी प्रकार की कामेभ्य भौतिक इंद्र तृप्ति से युक्त योग में स्थित इति इस प्रकार उच्यते कहलाता है तदा उस समय। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति ये श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं क्या जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता क्या लिखते हैं जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को क्या करता है वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है। किसमें स्थित हो जाता है अध्यात्म में स्थित हो जाता है अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। ठीक है बहुत ही सुंदर है। ठीक है क्या कहा जा रहा है कि जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है क्या करता है अपने मानसिक कार्यकलापों को क्या करता है वश में कर लेता है तब और अध्यात्मिक में स्थित हो जाता है अध्यात्म में क्या होता है वह स्थित हो जाता है तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। मानसिक कार्यकलाप में मन की दो ही वेग होते हैं। ठीक है मन के कितने वेग हैं दो ही वेग हैं। अब ये दो वेग बता सकते हैं आप हमें क्या है बताइए हमने कई बार इसके ऊपर चर्चा किया है बताइए दो क्या है मन के दो वेग हैं बताइए क्या वेग हैं सब लोग जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए जी प्रभु जी दो वेग कौन से दो वेग के विषय में चर्चा हो रही है काम और क्रोध काम और क्रोध का तो क्या कोई स्थान ही नहीं यहाँ पे वेग बात कर रहे हैं आपने सुना है कभी मैंने कई बार बताया यविरोध युक्त प्रीति और विरोध युक्त क्रोध सुना है जी प्रभु कभी हमने इस विषय में बताया आपको जी प्रभु पिछले श्लोक में ओके बताइए फिर डिस्क्रिप्शन दे दो क्या है ये तो और विरोध युक्त प्रीति मतलब हो गया प्रभु जी कि किसी से भी मतलब जो ममता होती है उसमें कोई रुकावट नहीं एकदम फ्लो में बोलिए बोलिए अविरोध प्रीति और विरोध युक्त कर्म विरोध युक्त क्रोध डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे प्रशांत प्रभु कई बार हमने इस विषय में चर्चा की है और
अविरोध युक्त प्रीति का मतलब हो गया प्रभु, जब हम कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं तो अविरोध है वो, मतलब कि उसमें किसी प्रकार खुद से बोल रहे हैं, ये मेरे द्वारा सुनी बात नहीं बता रहे हैं। मन का वेग तो उसी प्रकार होना चाहिए, होना चाहिए। फिर देखिए हमें ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, मतलब जो लिखा हुआ है जो सुना है और जो पढ़ा है बस उसी पे चर्चा कर सकते हैं ना, हमारे अनुसार से होना चाहिए तो हम नहीं कह सकते, समझ रहे हैं, हमारे अनुसार से होना चाहिए ये हम नहीं कह सकते। हमने जो सुना है, क्या आपने यही सुना है? नहीं प्रभु। नेहा माता जी? नहीं प्रभु जी, मुझे नहीं मालूम इसका आंसर। देखिए मन का अविरोध प्रीति और विरोध युक्त कार्य है ना, इस दो चीज के ऊपर हम लोग पहले बहुत बार काफी बार चर्चा कर चुके हैं, ना कि सिंगल टाइम, बहुत टाइम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, क्या है? पहला है मन का, अभी देखिए ये इसको एकदम याद रखना है, अविरोध प्रीति मतलब मुझे ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये मुझे अच्छा लग रहा है तो उसको यही रहने दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये तो इसे भगाओ यहां से, समझ रहे हैं बात को? मुझे ये व्यक्ति अच्छा लग रहा है इसे यहां रहने दो, मुझे ये व्यक्ति अच्छा नहीं लग रहा है इसे भगाओ, ये वाली बात, ठीक है, ये कि मतलब विरोधी क्रोध मने हमें उसे अच्छा नहीं लग रहा है, मन के विरुद्ध कुछ भी, ये वस्तु में, ये व्यक्ति अथवा अन्य कुछ भी, तो उसे क्या करना है, हटा देना है, वो नहीं चाहिए, लेकिन उसे अच्छा लग रहा है, ये क्या हो गया, विरोध युक्त क्रोध क्या हो गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो भगाओ, और अविरोध प्रीति क्या हो गया, ये मुझे अच्छा लग रहा है मतलब ये होना चाहिए, सही रखना चाहिए। ये दो ही वेग है ना हमारे मन में, बस काम क्रोध ये तो उसके अंडर ही आ गए, काम है क्रोध है ये सब तो उसके अंदर ही आ गए, लेकिन मुख्य है विरोध युक्त क्रोध और अविरोध युक्त प्रीति, विरोध युक्त क्रोध और विरोध युक्त प्रीति, ये दो ही मुख्य है, ध्यान रखिएगा हमेशा, दो ही मुख्य है, अविरोध युक्त अविरोध प्रीति और विरोध युक्त, बस ओके, ये होना चाहिए मुझे, बस ये होना चाहिए, ठीक है, ये मेरे को अच्छा लग रहा है, एकदम क्लियर हो जाएगी ये दोनों में कोई डाउट है आपको, बताइए कोई डाउट है? नहीं प्रभु। कोई डाउट? अभी क्लियर हो गया, विरोध युक्त प्रीति और अविरोध युक्त अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध में क्या अंतर है, मतलब क्या है दोनों, ये समझ गए आप सब? जी प्रभु। अभी मैं फिर पूछूंगा, भूलेंगे नहीं, ठीक है, ध्यान रखिए। गीता भूषण टीका, गीता भूषण टीका में श्री बलदेव विद्याभूषण जी लिखते हैं, वह व्यक्ति योग में निष्पन्नता को कब प्राप्त करेगा, वह व्यक्ति योग में निष्पन्नता को कब प्राप्त होगा, निष्पन्नता का मतलब है कंप्लीट, ठीक है ना, मतलब एकदम पूर्ण, पूर्ण हो जाना, ठीक है, निष्पन्नता का क्या अर्थ है, पूर्ण हो जाना, तो वह व्यक्ति निष्पन्नता को कब प्राप्त करेगा, ये बात यहां बता रहे हैं, ठीक है, निष्पन्नता का मतलब पूर्ण करना। आगे लिखते हैं, जब योगी अभ्यासी का चित्त पूर्ण रूपेण संयमित रहने के कारण आत्मा में ही स्थिर रहता है और वह आत्मा से इतर सभी स्प्रियाओं से शून्य रहता है तो ऐसा योगी युक्त अर्थात योग में निष्पन्न का, जो व्यक्ति, इसका कहने का अर्थात है, जो व्यक्ति अन्ना अभिलाषता में शून्य है, ठीक है, कौन व्यक्ति, जो व्यक्ति अन्न अभिलाषा में शून्य है, ठीक है, जिसकी अन्य कोई और इच्छा नहीं है, अन्न अभिलाषिता, जिसकी अन्न अभिलाषिता शून्य है, वह केवल, मतलब अर्थात केवल वह आत्मा सुख के लिए ही कार्य कर रहा है, ठीक है, अन्न अभिलाषा, मैं बोल नहीं पा रहा हूं,
अन्ना अभिलाषिता का अर्थ है जो केवल आत्मा के ही सुख को ध्यान में रखे, भोग की स्पृहा से पूरी तरह से शून्य हो। समझ रहे हैं? जो भोग की अभिलाषा से क्या है, पूर्णतया शून्य है, ऐसा योगी युक्त कहलाता है। बहुत स्पष्ट है, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है इसमें। आत्मा का आनंद मतलब, आत्मा का आनंद क्या है? आत्मा का आनंद का अर्थ क्या हुआ किशन? जिसे भौतिक इच्छाओं से सुख नहीं चाहिए वो अपने आत्मा में ही वो परम आनंद में रहता है। हाँ ठीक, ये तो सब समझ रहे हैं, लेकिन ये प्राप्त कहाँ से होती है? कृष्ण की सेवा करने से। कृष्ण की सेवा से। भक्ति के आनंद के अलावा उसका और कोई स्पृहा नहीं होती, उसे और कोई चीज की अच्छा मतलब ये नहीं होती, बस भक्ति, भक्ति की स्पृहा और विशेष कुछ भी नहीं। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? और किसी भी चीज की आवश्यकता उसे वस्तुतः देखा जाए तो नहीं होती, किसी भी प्रकार की स्पृहा भी नहीं होती कि मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ना। वह क्लियर होता है, ठीक है? आगे बात पर है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु। Does it mean that I don't have to meet with non-divorced friend? Sorry, Pro. You can ask your question at last, okay? Now we will just continue and at last you can, okay? Okay. You just write it down, okay? And at last you can ask. बताइए, पढ़िए। तात्पर्य मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं, साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिनमें मैथुन प्रमुख है। बहुत अच्छा बात कह रहे हैं ना रूपा जी। कहते हैं क्या कि ये बैरोमीटर है, बैरोमीटर मतलब समझते हैं, नापने की प्रक्रिया या टेस्ट है, व्यक्ति कितना अध्यात्म में प्रगति किया है। इस प्रकार के इच्छाओं से मुक्त हो जाना ये बताता है कि व्यक्ति कितना अध्यात्म में प्रोग्रेस कर रहा है, यही बताता है कि हम कितना अध्यात्म में प्रोग्रेस कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? यही चीज बताता है कि हम अध्यात्म में कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, और दूसरी कोई चीज नहीं। यही इच्छा बताती है हमारी कि हम अध्यात्म में कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात को? ये चीजें जो है ना बताती है कि कितना हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन, बिल्कुल देखिए, आत्मा के लिए इनकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आत्मा आनंद के लिए ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। इनकी निवृत्ति जितनी हो गई है, निवृत्ति मतलब सोच रहे हैं छोड़ना, आप जितना इसको निवृत्त कर दिए मतलब छोड़ रहे हैं, उतनी हम प्रगति कर रहे हैं, उतनी हम प्रगति किए। बाह्य नहीं, आंतरिक रूप से प्रगति देखना चाहिए। अब आप अपनी प्रगति को खुद से नाप पा रहे होंगे, मुझे जहां तक एहसास है, ठीक है? आप अपनी प्रगति को खुद से नाप पा रहे होंगे कि हमारी क्या स्थिति है, लेकिन यहां पर घबराना नहीं है। एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर घबराना नहीं है, एक चीज है ना, यहाँ पे घबराना नहीं है। प्रभु जी हमें तो बहुत इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं बची हुई है, हम क्या करें? नहीं, घबराना नहीं, बस अपने स्तर को नापते रहिए। आपको पता होना चाहिए, कोई किसी भी स्तर पर हो, आप भक्ति करते रहो, प्रोग्रेस होता जाएगा। बस भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो, ठीक है? अब हमें लग रहा है हतोत्साहित नहीं होना है। देखिए, मैं बार बार यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि हमसे अच्छा हमारा लेवल कोई नहीं जानता है ना।
भले ही हम बाहर दिख कुछ भी बता दें, कुछ भी कर दें, लेकिन हमसे बेटर स्थिति हमारी कोई नहीं जानता है। इसलिए सबसे बेस्ट क्या है, हतोत्साहित ना हो, अपने आप को हमेशा नापते रहे और किस स्तर पर है, क्या सुधार करना है, इसके ऊपर ध्यान देते। गुरु से सलाह लें, अपने शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, काउंसलर से सलाह लें कैसे करना है, कैसे सीनियर भक्तों से सलाह लें और करते रहे उसे। ओके, आगे बढ़िए। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बता। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है, अनुशासित मतलब डिसिप्लिन होता है, कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती है। ठीक है, अब देखिए, क्या ये भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती है, क्या हम लोग इसको याद कर सकते हैं वहां से, कहां से? श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक से, 70 आपूर्यमाना मचला प्रतिष्ठम समुद्रपम परविसंति यद्वत तद्वत कामम कामाम य प्रवसंति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। याद है, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वह शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। मतलब समुद्र में अनेकों नदियां हमेशा आती है पर वह देखिए शांत बनी रहती, कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ता। ठीक उसी प्रकार से हमारे मन में भी अनेक अनेक इच्छाएं क्या होती है, गिरते रहती है, दड़ाम धुड़ुम धड़िम, कुछ ना कुछ इच्छाएं गिरती रहती है। आप यहां बैठे हुए भी आप सुन रहे हैं तो मन हो गया होगा, अरे कुछ कुछ और ही मन में आ रहा होगा, मन में कुछ और इच्छा आ रही होगी। आप ध्यान दीजिए, आप यहां बैठ के सुन रहे हैं अथवा ये श्रवण में तो थोड़ा कम मन भटकता है, लेकिन जब आप जपा करते हैं तो बहुत सारा मन भटकता है। ठीक है, आप खास करके कभी कभी प्रीचिंग के विषय में कि प्रभु जी ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उस समय प्रभु जी बड़ा सुंदर बात कह रहे थे कि जब मन में बहुत ज्यादा विचार आने लगे, स्पेशली प्रीचिंग का विचार आए, ठीक है, गौर गोपाल दास महाराज जी, परम पूज्य गौर गोपाल दास महाराज कहते हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज की, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं क्या कि इस जगह पे थोड़ा अलाउ करते कि मन में यदि प्रचार का ख्याल आ रहा है और यदि आप प्रचार का ख्याल नहीं करते हैं तो कुछ दूसरा ख्याल आता है तो बेटर है कि ठीक है प्रचार का ख्याल आ, लेकिन फिर भी उस समय एक प्रभु जी बता रहे थे बड़ा सुंदर, जब आपके मन में ऐसे ख्याल आए तो उस समय सोचना चाहिए कि क्या तुम्हारे गुरु ने आदेश दिया है जो तुम ये सोच रहे हो, किसने किसने करने के लिए बोला है तुम्हें, छोड़ो अभी जब पे कॉन्सेंट्रेट, जब पे कॉन्सेंट्रेट। तो क्या होता है कि मन मन हमें कैसे रहना चाहिए, समुद्र में जैसे अनेक नदियां आती हैं पर वह शांत बनी रहती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे मन में भी अनेकों इच्छाएं आती रहती है और हमें शांत होना चाहिए उसमें। ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं कि हम उसको पूर्ण करने में लग जाए, इसको समझना पड़ेगा, उससे कोई फायदा नहीं। ठीक है, ओके, आगे बढ़िए। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में स्कंद 9 अध्याय 4 श्लोक संख्या 18 से 20 में कहा गया है, सवे मा कृष्ण पदारविंद विंध्यो चांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकार च्युत शतक कथोदये मुकुंद मुकुंद लिंग लिंग आलय दर्शने दृशो तबिद्र त्याग त्यागात्र त्यागात्र स्पर्शे अग संगमं ग्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत तुलशया रमना रशनाम तद अर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पनु
शर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्य न तु काम काम्या यशोत उत्तम श्लोक जनाश्रय हरति। बहुत ही सुंदर श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए थोड़ा हम लोग प्रयास करेंगे संस्कृत से जाने के लिए, एक बार फिर से देखिए। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त होती है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में 9.4.18-20 कहा गया है। सवे मनः कृष्ण पदार विंध्य वरचांसी यथा उत्तम श्लोक जनाश्रय हरति। जो राजा अम्बरीश के विषय में जो बता रहे हैं यहाँ पे, सवे मन कि उन्होंने क्या किस प्रकार से उत्तम गति को प्राप्त किया और किस प्रकार से वह भगवान के दास बन गए, किस प्रकार से भगवान को प्रिय बन गए। देखिए सवे मन कृष्ण पदार विंदयो, ठीक है, मैंने मन को क्या किया, कृष्ण के चरणों में लगा दिया। वरचांसी वेकुंठ गुणानुवर्णने वाचो वाचो, हम कल प्रश्न कर रहे थे ना कि हम अपने वाच को मतलब बोली को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। साधारणतः अम्बरीश महाराज से हमें सीखना चाहिए वैकुंठ गुणानुवर्णने, मैंने भगवान के वैकुंठ के जो भगवान है वैकुंठाधिपति है ऐसे भगवान के गुणगान में लगा दिया। करो हरेर मंदिर मार्ज नादिशु, कर एक कर से क्या करने लगे, हरि भगवान के मंदिर को मार्जन करने लगे। श्रुति चकार चित सत कथोदय, श्रुति कानों से क्या करने लगे, भगवान के कथाओं का शरणम। मुकुंद आलिंग आलिंगलाय दर्शने दृश्यो, आंखों से भगवान मुकुंद जो है ऐसे अथवा भक्तों के भगवान मुकुंद और भक्तों के दर्शन करने लगे। तद भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगम, और भृत अपने हाथों को क्या लगाए, वैष्णवों के भगवान के चरण या भगवान के चरण छूने में अथवा वैष्णवों के शरीर या फिर उनके चरण छूने में। ग्रानम च तत्पाद सरोज सरोभे श्रीमत तुलसिया रसनाम तद अर्पिते, और नाक से भगवान को क्या किए, जो पुष्प उनको अर्पित किया गया था उसे सूंघने में लगाए और श्रीमद तुलसिया रसनाम तद अर्पित, उनके चरणों में स्पर्श किए गए तुलसी दल को खाने में जीवा को लगा दिए। पादो हरे क्षेत्र पदानु सर्पने शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, पदाभिवंदने पादो पादो मतलब पांव को कहां लगा दिए, भगवान ऋषिकेश के क्षेत्र हरि के क्षेत्र में जाने में, भगवान हरि के क्षेत्र में जाने में, वृंदावन मायापुर अयोध्या द्वारका ऐसे क्षेत्रों के घूमने में लगा दिए। शिरो ऋषिकेश पदाभि वंदने, और शिर मतलब अपने माथे को क्या किए, भगवान के वंदन करने में लगा दिए। कामम च दास्ये नतु काम काम्यया, मतलब जो काम जो इच्छाएं थी उनको क्या किए, भगवान के चिंतन में लगा, ठीक है, भगवान के चिंतन में लगा। पढ़िए। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थित कर दिया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया, हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, घ्राण इंद्रिय को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, पांवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया, तथा अपनी इच्छा की तारीख सर्वथा अनुरूप है। ओके, देखिए बहुत अम्बरीश महाराज के जीवन से हमें सीखना चाहिए कि हम अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपली यदि हम भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगा देंगे, ध्यान रखिए, यदि हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो ये खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा।
और ये सबसे बड़ी भक्ति है, देखिए है ना, इस संबंध में बहुत सुंदर कहते हैं भूरिजन प्रभु, हिज ग्रेस भूरिजन प्रभु कहते हैं कि अम्बरीश महाराज भगवान को कितना प्रिय थे, आप देखिए दुर्वासा ऋषि से भी अधिक प्रिय थे, क्योंकि वह क्षत्रिय थे और एक गृहस्थ थे, और दुर्वासा ऋषि एक सन्यासी हैं और एक क्या कहते हैं दुर्वासा ऋषि ब्राह्मण थे और एक सन्यासी थे, अम्बरीश महाराज क्षत्रिय हैं और गृहस्थ हैं, दुर्वासा ऋषि ब्राह्मण है और सन्यासी हैं, इन दोनों कंडीशन में दोनों स्थिति में भी देखिए आप अम्बरीश महाराज उनको अधिक प्रिय थे। तो ऐसा नहीं है कि वह जंगल में जाकर भजन कर रहे थे, वह समाज में रहकर भजन कर रहे थे और अपनी हर क्रिया के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वो अपनी हर क्रिया के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न कर रहे थे। हर एक क्रिया के द्वारा क्या कर रहे थे? वो विष्णु को प्रसन्न करने में लगा लिए, हर एक क्रिया को, है ना। अपने देखा उन्होंने अपने 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 सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिए, सारे इंद्रियों को। ऐसा उन्होंने नहीं किया कि वो जंगल चले गए और फिर वहां भजन करना, वो घर में रहते हुए समाज में रहते हुए भजन कर रहे थे और अपनी हरि क्रिया के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न कर रहे थे, तो इसलिए वह बहुत प्रिय। फिर से ध्यान रहे चार क्रियाएं क्या क्या, श्रवण कीर्तन स्मरण और पूजन के द्वारा भगवान संतुष्ट। जो भक्त इस प्रकार से लगा हो, चाहे वह किसी भी आश्रम में है, यदि पूर्णतः नियोजित हो तो भगवान का प्रिय है, उसमें किसी भी प्रकार का संदेह, और उन्हीं के द्वारा अपने कार्यों के द्वारा नवधा भक्ति के द्वारा मनसा वाचा कर्म के द्वारा यदि भगवान को समर्पित रहता है व्यक्ति, तो उसके हृदय में क्या होगा, भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा, स्वतः प्रेम जागृत होगा, ठीक है, स्वतः प्रेम जागृत होने। अब समझ रहे हैं बात को, चार क्रियाएं क्या, श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन के द्वारा भगवान संतुष्ट होते हैं। जो भक्त इस प्रकार से लगा हो, चाहे वह किसी भी आश्रम में है, तुरंत नियोजित हो भगवान को, अपनी इंद्रियों को नियोजित कर रहा है, तो वह भगवान को निर्विशेष वादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था और निर्वचनीय हो सकती है। अच्छा, एक बात जो मुझे याद आ रही है इस संबंध में जो कहना चाहूंगा, बहुत ही श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर इस प्रश्न पे कहते हैं कि जो कर्मी है, जो कर्मी लोग हैं, ठीक है, जो कर्मी लोग हैं और जो देखिए जो कर्मी लोग हैं वो तो क्या करते हैं, भगवान की संपत्ति का भोग करना चाहते हैं। तुम यह ध्यान देना चाहिए कि जो कर्मी लोग हैं वह क्या करते हैं, भगवान की संपत्ति का भोग करना चाहते हैं, लेकिन जो अष्टांग योगी हैं और जो ज्ञानी हैं वह क्या करते हैं, वह भी भगवान की इंद्रियों को स्वीकार नहीं करते। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। देखिए सुनने में तो बड़ा साधारण लग रहा है, लेकिन आप देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्या बात, क्या महत्वपूर्ण बात है कि एक में तो जो कर्मी व्यक्ति है वह क्या करता है, कर्मी व्यक्ति कभी भी भगवान की संपत्ति का भोग कर रहा है हमेशा, लेकिन जो अष्टांग योगी है अथवा जो ज्ञानी है वह भगवान की इंद्रियों को स्वीकार नहीं करते कि भगवान की इंद्रियां हैं। इसलिए ज्ञानी लोग भोगों से वैराग्य करने का प्रयास करते हैं, वैराग्य चाहते हैं, और योगी जन क्या करते हैं, अष्टांग योग के द्वारा अपनी इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भक्त यह स्वीकार करता है कि भगवान की इंद्रियां हैं। ये देखिए बड़ी अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा, भक्त यह स्वीकार करता है कि भगवान की इंद्रियां हैं और अपनी इंद्रियों से उन इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन ये दोनों ही लोग ध्यान रहे, अष्टांग योगी और ज्ञानी निर्विशेषवादी, और कर्मी भी यह नहीं जान समझ पाता है कि जब वह भोग कर रहा है तो उससे भगवान असंतुष्ट होते है ना, भगवान उससे असंतुष्ट। बहुत विशेष है, ध्यान रहे, जब मैं जप कर रहा हूं तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, अथवा मैं गीता क्लास में हूं या भागवत पढ़ रहा हूं या अन्य कुछ भी क्रिया, या गीता पढ़ रहा हूं या फिर भागवत क्लास में हो, कुछ भी पढ़ना सुनना, कुछ भी क्रिया जो भगवान के लिए हो,
तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। भगवान की जब सेवा कर रहा हूं तो भगवान उसे संतुष्ट। भगवान की इंद्रियां हैं, एक चीज ध्यान देना चाहिए, भगवान की इंद्रियां हैं बहुत ही संवेदनशील है। भगवान बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, बहुत संवेदनशील व्यक्ति। मुझे श्रील प्रभुपाद की वो घटना याद आ रही है, जब श्रील प्रभुपाद अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे और ग्लोरिफिकेशन में बताते हैं क्या कि आप वो हैं जिन्होंने कृष्ण को एक चेतनामय, एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में इस संसार पर प्रकट किया, प्रस्तुत किया, प्रकट नहीं प्रस्तुत किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कहते हैं कि आज से ये जो भी लिखे, उसमें एक पत्रिका छपती थी, ये जो भी लिखे उसे मुझे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे चेक कराने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट प्रिंट कर दो, क्योंकि ये समझ गया है, वास्तविक अर्थ समझ गया है। तब प्रभुपाद के विषय में क्या कहते हैं कि यह व्यक्ति वास्तविक अर्थ समझ गया है, अतः ये जो भी लिखेंगे उसे मुझे दिखाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट पुष्ट कर दिया। अद्भुत है ना। तो भगवान बहुत ही संवेदनशील है, भगवान की इंद्रियां तो है ही, बहुत ही संवेदनशील है। कोई एक नाम भी ले रहा है ना, उसे भगवान हमेशा याद रखते। आप ये मत सोचिए कि हम भूल जाएंगे, भगवान भूल जाएंगे, हमें भले याद रहे या ना रहे, पर भगवान को याद रहता है। भगवान बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही कोमल हृदय के हैं, भगवान बहुत कोमल हृदय और शक्तिशाली भी है। कृष्ण इज वेरी सेंसिटिव, वेरी एंड वेरी सॉफ्ट हार्टेड ऑल्सो, सॉफ्ट हार्ट एकदम, इस बात को हमेशा ध्यान दो। शक्तिशाली भी है, वेरी पावरफुल ऑल्सो। ये बात जब हम समझना और अनुभव करने की आवश्यकता है, हमें समझने और अनुभव करने की, और भक्त लोग समझते भी हैं क्योंकि तो भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, जो पूरी तरह स्वतंत्र है, आप समझिए ना बात को, जो पूरी तरह स्वतंत्र है वो कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के पराधीन हूं। जो पूरी तरह स्वाधीन है जो व्यक्ति, वह क्या कह रहे हैं कि मैं भक्त के पराधीन हो। ये बड़ी अजीब बात नहीं लग रही है? जो व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है, जिसे कोई अपने कैप्चर में नहीं कर सकता, जिसे कोई बांध नहीं सकता, जो किसी के जिसके ऊपर किसी प्रकार का प्रकृति का बंधन नहीं लगता, वह कह रहे हैं क्या हम भक्त पराधीन। अद्भुत है ना, ये समझिए इस बात को। देखिये ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे भक्ति के लिए पॉइंट हो सकता है, टर्निंग पॉइंट हो कह सकते हैं आप इसे, ठीक है ना, टर्निंग पॉइंट कर रहे हैं। लोग भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर एक पॉइंट शायद हम भूल सकते हैं, ये वाली रहे हैं। हम कृष्ण की प्रसन्नता बहुत महत्वपूर्ण, देखिए हमारी भक्ति के दौरान इस बात को हम मिस कर सकते हैं, कभी कभी भूल सकते हैं, चाहे हम कीर्तन ले रहे हो अथवा क्लास ले रहे हो, है ना, तो हो सकता है कि कीर्तन करने का प्रायोजन कुछ और हो सकता है ना, कुछ ही प्रायोजन हो सकता है। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ये सेवा भावना होना बहुत जरूरी है, इसके प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें, और इस बात से भगवान प्रसन्न होते हैं, ठीक है, जब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, और जब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करते तो भगवान प्रसन्न होते। मान ले, अब एक चीज यहाँ आप देख लें कि मान लीजिए यदि हमें ऐसा लगे प्रभु कृष्ण तो हमें देख नहीं रहे हैं, मान ले यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए ना हो सके, परंतु गुरु को तो आप देख पा रहे हैं, तो गुरु की प्रसन्नता के लिए करें। गुरु तो दिख रहे हैं ना, गुरु गुस्सा, अच्छा जप नहीं करेंगे अच्छा से तो गुरु जी गुस्से हो जाएंगे, गुरु की प्रसन्नता के लिए करें, वो तो दिख रहे हैं। फिर जब धीरे धीरे हम एडवांस होंगे तो समझ में आएगा, जब जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कृष्ण भक्ति में, तब हमें हम समझ पाएंगे कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं, हम नहीं कर पा रहे, और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करने का अर्थ क्या होता है। अब जो व्यक्ति निर्विशेषवादी हो तो भगवान की इंद्रियों को ही उड़ा देता है, बताइए। जब हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ते हैं, एक चीज ध्यान रखिए, तो हम समझ पाएंगे कि कृष्ण के लिए, प्रसन्नता के लिए ना क्या होता है, और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम नहीं कर पाते।
हम देखते हम चाह तो रहे कि हम कृष्ण की प्रसन्नता पर कार्य करें पर हृदय पूरा नहीं है। अब जैसे प्रवचन किया कीर्तन किया हृदय में ये आए कि अच्छा कोई कहे मुझे आकर कि अच्छा प्रवचन दिया आपने या फिर कीर्तन किया तो शायद हमारी हृदय में इच्छा हो कि आपने अच्छा कीर्तन किया। हृदय में हमारी इच्छा हमें ही दिखती है ना। हम जब सेवा करें तो शायद लगता है कि कोई हमें बोले कि हमने बहुत अच्छा किया है। क्रेडिट प्राप्त करने की इच्छा होती है ना, कभी कभी होती है। जैसे आप गीता डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं तो भगवान आप पर प्रसन्न है, ध्यान रखिए। और आप ये सोच कर कीजिए कि आप भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। आप जप कर रहे हैं तो भगवान आपके नाम को सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं भगवान सुन रहे हैं, और व्यक्तिगत रूप से सबके कीर्तन को नाम जप को भगवान सुनते हैं। आप सोचिए भगवान आपके सामने आके बैठे हो तो हम कितना जोर लगाएंगे ना जप करने में या कीर्तन करने में। वैसे ही हमें लगा के रखना चाहिए क्योंकि जब हम जप करते हैं तो भगवान हमारे साथ होते हैं। इसलिए कम से कम जप को तो अच्छे से करिए, जप अच्छे से करने का प्रयास करिए। आगे पढ़िए। निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यावहारिक है। जैसा कि महाराज अमृत दिनचर्या से स्पष्ट हो जाता है। आगे। जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। ये पॉइंट क्लियर है ना आपका? ये पॉइंट तो क्लियर होना चाहिए, है ना क्लियर? जी जी। जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता है तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। कौन बता सकता है इसको, बताइए, कोई बता सकते क्या? जब तक हमारा मन पूर्णतः भगवान के चरणों में ना लग जाए तब तक हमारा दिनचर्या महाराज अमरीश जैसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन ये होगा कैसे? हमारे मन में ये बैठ जाना चाहिए कि हमारा हर कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही किया जाए। और ये बैठेगा कैसे? आप सही जा रहे हैं, बस थोड़ा सा मिस कर रहे हैं कुछ। और आप सोचिए मैं हर एक बार वो पॉइंट बोलता हूँ और आप वो चीज मिस कर रहे हैं। जीव स्वरूप हुए नित्य कृष्ण दास। वेरी नाइस, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस प्रभु, दिस इज द मेन पॉइंट। यस, जीव स्वरूप हुए नित्य कृष्णदास, बिल्कुल बिल्कुल, यस। ये मैं इसी के लिए वेट कर रहा था कि कोई व्यक्ति ये तो बोले जीव स्वरूप हुए नित्य कृष्णदास। जब ये भावना हमारे हृदय में आएगी ना, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। जीव स्वरूप हुए नित्य कृष्णदास, मन के द्वारा यह विश्वास कर ले कि मैं कृष्ण का दास हूं, तभी हम अपने आप को भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर सकते साधारण। और फिर जितने भी कार्य हैं वो इसी पहचान के आधार पर होते चले जाएंगे। जैसे कोई स्त्री है, जब वो सवेरे उठती है तो ध्यान करते अच्छा मैं इनकी पत्नी हूं या फिर इनकी माँ हूं, तो फिर सारा दिनचर्या उनके उसी पहचान के साथ रहे। या फिर जब कोई किसान या स्टूडेंट उठता है सवेरे सवेरे तो वह क्या ध्यान करता है कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं और मेरा दिनचर्या उसी के तरह रहना। अभी वो कभी भी भूल जाए, आप ध्यान दीजिए, यदि एक स्टूडेंट ये भूल जाए कि मैं स्टूडेंट हूं तो क्या करेगा? फिर तो मूवी जाएगा, जिम जाएगा, पढ़ाई के अलावा सारे कार्य करेगा। एक किसान यह भूल जाए कि मैं किसान नहीं हूं तो खेती के अलावा सब कुछ करेगा। यदि किसान को याद है कि मैं किसान हूं तब अपने हल को लेगा, बैल को लेगा और खेतों में जाएगा। पहचान याद रखना बहुत जरूरी है। और भक्तों का पहचान क्या है? भक्तों का पहचान क्या? जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। यस, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। ये पहले किसने बताया था ये पॉइंट?
प्रशांत प्रभु के लिए हरे कृष्ण बोलिए सभी लोग। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। वेरी नाइस आंसर परफेक्ट। तो भक्त अपने मन में धारण करता है कि मैं कृष्ण का दास हूं और यह भावना मन से कभी यदि ये भावना मन से नहीं जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है आप जानते हैं? इसका रिजल्ट ये होगा कि आप उसी पहचान पे कार्य करेंगे और आपके सारे दिव्य कार्य जो है सो दिव्य होंगे क्योंकि अब वह सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। और जब मन में यह भावना नहीं आएगा कि मैं कृष्ण का दास नहीं हूं तब तक संभव नहीं। मान लीजिए कोई बोल दिया मंदिर साफ करो तब तुम ओए पागल है क्या, मैं इतना बड़ा आदमी बोल रहा है? या फिर चलो आप नहीं बोल रहे, आपको कोई बोल दिया मंदिर साफ करो तब तक तो आपके सामने आपका मन आएगा, ओए रुक जा तू तो इतना बड़ा आदमी भूल गया, तू झाड़ू मारेगा, तू चपरासी है, पीऊ ने तू, रुक रुक रुक, तुरंत हमारे मन में ख्याल आएगा ना, मन बोलेगा रुक जा भाई रुक जा। आप वहां यह नहीं सोच पाएंगे इस आंगन में तो साक्षात लक्ष्मी देवी झाड़ू मारती है, आज मुझे ये सौभाग्य मिला है। एक उदाहरण जो मुझे बड़ा सुंदर याद आ रहा है, पुणे के इस्कॉन मंदिर में एक भक्त नए भक्त ज्वाइन किए, ठीक है, एंड ही वाज हैविंग वेरी गुड क्वालिफिकेशन और बहुत अच्छे पोस्ट पे थे, बहुत ही अच्छे पोस्ट पे। और आने के बाद जब उन्होंने टेंपल प्रेसिडेंट से बात किया अथवा मैनेजर से बात किया कि मुझे टेंपल में कोई सेवा दीजिए, तो उस समय उन्होंने वहां पे सेवा नहीं लिया, बोला कि अभी सेवा के सारे स्लॉट फुल हैं, कोई सेवा नहीं है। क्या हुआ, सेवा के सारे स्लॉट फुल थे। कुछ दिन के बाद जो झाड़ू जो सफाई करता था वह व्यक्ति चला गया कहीं पे। तो उस समय मैनेजर ने पूछा कि आप ये कार्य करेंगे, क्योंकि उसे संकोच हो रही थी क्योंकि ही इज अ बिग पर्सन, इसकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छे पोस्ट पे था और अभी इस्कॉन आया है, तो ये कार्य करेगा या नहीं करेगा, उसने पूछा, आप ये कार्य करेंगे? बोले ठीक है, ये स्लॉट खाली, यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट बोले। अब दूसरे दिन वह व्यक्ति मंदिर को साफ करते करते वो फूट फूट कर एकदम जोर जोर से रोने लगा, बहुत रोने लगा, मंदिर भी साफ कर रहा था और रो भी रहा था। उस सभी लोगों को लगा कि शायद ये इतना बड़ा पोस्ट पे था ये व्यक्ति, इसलिए रो रहा, इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन है, अच्छे घर मंदिर में झाड़ू मारने का कार्य, इसलिए रो रहा है। उसने फिर उनसे पूछा गया, टेंपल प्रेसिडेंट मैनेजर ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, हमें पता है आपके पास, आप क्यों रो रहे हैं? तो वह व्यक्ति बोलता है कि मैं इतने दिनों से वेट कर रहा था कि प्रभु मुझे कभी आप अपनी सेवा में लगाइए, अपनी सेवा में लगाइए, और आज मुझे प्रभु ने इतनी देर से मेरे ऊपर कृपा की, इसलिए वो रो रहा। तो सोचिए कितनी कितनी अद्भुत, मतलब है ना, कितना अद्भुत है। तो यह हमारा मन जो है यदि यह चीज स्वीकार करेगा जीवर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास, तब तो वह ऐसी भावना लाएगा, यदि नहीं रहेगा तो मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, प्रभु जी मुझे आप झाड़ू मारने के लिए कह रहे हो। जब मन में यह फिक्स हो जाएगा कि मैं कृष्ण का दास हूं, आपका मन अपने आप ही स्थिर रहे और कृष्ण की सेवा के लिए ही कार्य करेगा, ठीक है। और जब तक यह विचार नहीं आएगा आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाए। अच्छा एक और प्रश्न, यह भावना आएगी कैसे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, ये भावना कैसे आएगी, कौन बता सकता है? भक्तों के एसोसिएशन से, एक एक करके बताइए। भक्तों के एसोसिएशन से हाँ लिया जा सकता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। दूसरा समर्पण और भक्ति, कृष्ण समर्पण और भक्ति। दूसरा और कोई, जब तक प्रभु हम लोग ये ना मान ले कि हम लोग परमात्मा से अलग होकर यहाँ इस धरती पे आए हैं। और कोई, आज बहुत लोग भी जुड़े हुए हैं, कोई चाहेंगे आंसर करना? ओके। यह आएगा मात्र और मात्र श्रवण कीर्तन करने से, यह भावना तब आएगी जब हमारा श्रवण और कीर्तन स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा।
प्रभु जी यस यस माता जी दास भावना जो है ये समर्पण की भावना को बोलते हैं यस अपने आप को सर्वेंट मानना नौकर मानना भगवान का नौकर मानना अपने आप को और ये भावना कब आएगी जब हम श्रवण और कीर्तन हमारा मजबूत रहेगा जब हम स्पेशली श्रवणम हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा यदि हमारा श्रवणम स्ट्रॉन्ग है ना तभी हम कर सकते हैं ये नहीं तो नहीं होगा याद रहते हुए भी आपको भूल जाइएगा ध्यान रखिए आप जान रहे हैं जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास लेकिन आप भूल जाएंगे कई बार होता है ऐसी स्थिति इसलिए श्रवणम बहुत मन ठीक है आगे बढ़िए अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना स्पष्ट है कृष्ण की सेवा में समस्त चेष्टाओं को लगाना आगे इंद्रियों तथा मन को कुछ ना कुछ कार्य चाहिए पूरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है बिल्कुल क्योंकि आप जानते हैं कि यदि हम इसे कुछ हायर टेस्ट नहीं देंगे तो ये लोअर टेस्ट की ओर जाएगा ठीक है क्योंकि ये इंद्रियों का क्या है कि यह शांत नहीं बैठ सकता इसे कुछ ना कुछ तो चाहिए इसलिए बेटर है कृष्ण की सेवा में लगाए आगे ये तो हमने इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कस किया हुआ है मेरे ख्याल से बहुत अधिक डिस्कस करने की जरूरत नहीं आगे अतः सामान्य लोगों के लिए विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है जिसे भगवत गीता में युक्त कहा गया है क्लियर है युक्त कहा गया है किसको युक्त मतलब नियमित करना ठीक है तो इस प्रकार हम लोग श्री कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 18वें श्लोक का अनुवाद एवं श्रीमद् भगवद गीता किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं कुछ प्रश्न आया है क्रोध ज्यादा इच्छाओं से ज्यादा क्रोध ज्यादा प्रबल है होने पर क्रोध उत्पन्न होता है वेरी नाइस और पूरा होने पर लोग यस ध्यायते विषयान पुंसा संगास्ते सुख जायते संगात संजायते कामत कामत क्रोध अभिजायते 2.63 ठीक है हमारे मन में जो इच्छाएं होती है यदि वह पूरा हो नहीं होता है तो क्रोध होता है और यदि पूरा हो गई तो लोभ उत्पन्न होता है भक्ति भी ज्ञान से ही करते हैं गीता ज्ञान से फिर भगवान भी ज्ञानी हुए भक्ति भी यस भक्ति वो ज्ञान योग और इस ज्ञान योग में अंतर है ठीक है वह निर्विशेषवाद क्योंकि देखिए हम श्रील प्रभुपाद से भी किसी माता जी ने प्रश्न किया कि श्रील प्रभुपाद हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम श्रील प्रभुपाद ने कहा नहीं अभी तो आपने लेक्चर में यही बता रहे थे तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं पहले कृष्ण के विषय में ज्ञान और फिर प्रेम ओके और कोई क्वेश्चन प्रभु हरे कृष्ण जैसे प्रभु हर हम लोग हर इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं उसी तरह तो हमारे जन इंद्रियां हैं उसको कैसे कृष्ण की सेवा में लगाते हैं इनको जो हम लोग का और सब भी इंद्रियां हैं जिससे हम लोग भोग भोगने का इच्छा होता है अति कार्य है जैसे होता है तो उसको कैसे कृष्ण की सेवा में हम लोग अर्पित कर सकते हैं देखिए हम सारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं अब किस प्रकार से लगा सकते हैं ये तो हमने श्रवण किया ठीक है कि हमारी अभी देखिए हमारी जो आप ये भी जानते होंगे कि हमारी जो इच्छाएं हैं यहाँ तक कि जो हमारे एक्टिविटीज है उसको भी हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं यहाँ तक कि हम आलस्य को अपने आलस्य को भी कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं आलस्य को कृष्ण की सेवा में कैसे लगाना है तो जब भौतिक लोगों के पास जाने की इच्छा हो तो आलस्य करें भौतिक भोग भोगने की इच्छा हो तो आलस्य करें तो इच्छाओं का दमन नहीं होना चाहिए प्रभु उसको किसी और मतलब भगवान की ओर मोड़ना है यस इच्छाओं को हमें ट्रांसफॉर्म करना है कृष्ण की ओर मोड़ देना है उसे रोकना नहीं यदि हम रोकने का प्रयास करेंगे इंद्रियों का निग्रह करने का प्रयास करेंगे तो वो वैसा ही होगा कि मतलब नदी के ऊपर बांध बंधा गया बहुत पानी आ रहा है रुका हुआ है और एक दिन बहुत तेज से पानी आएगा और बांध टूट जाएगा हरे कृष्ण प्रभु एक और क्वेश्चन था प्रभु यस प्रभु जैसे कि साधारणतः हम लोग जैसे पढ़ाई लिखाई करते हैं एग्जाम मतलब
बड़े एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं कि कुछ अच्छा जगह मिल जाए, चाहे भगवान की भक्ति करें, उसमें दान दें, तो ऐसा भी जीवन के बारे में सोचा जा सकता है कि हमें दो वक्त का खाना चाहिए और बाकी जीवन कृष्ण को समर्पित हो, भक्ति करें। तो जैसे वो मंदिरों के बाहर भी, बहुत सारे मंदिरों के बाहर भी हमें मतलब उसकी व्यवस्था हो जाती है, बाकी समय भौतिक संसार से हट के हम लोग ये कर सकते हैं। उस भक्ति और इस तरह के भक्ति में क्या अंतर आएगा? तो मैं एक प्रश्न ही नहीं अच्छे से समझा प्रभु जी। जैसे प्रभु की हम लोग को नॉर्मल हम लोग भक्ति कर सकते हैं दो वक्त का खाना खाकर, तो फिर हम लोग इतना ज्यादा भौतिक जगत में क्यों मतलब ये रहते हैं उलझे हुए कि हाँ ये नौकरी करना। तो वो साधारणता हम लोग जैसे कि ये मंदिर के बाहर जाके भी तो दो वक्त का खाना आज के समय में मिल सकता है अगर चाहे कोई व्यक्ति तो। मंदिर के बाहर दो वक्त खाना क्यों? ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर लीजिए, तीनों वक्त का खाना प्लस रहना भी मिल जाएगा। देखिए ऐसी भी भक्ति की जा सकती है, परंतु एक चीज हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आप श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि कृष्ण उनसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं जो व्यक्ति उनके दिए हुए ज्ञान को दूसरे को देता है। तो यदि वैसे रहते हैं तो वैसी स्थिति में शायद हम प्रीचिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके, या फिर आप या फिर ब्रह्मचारी रह सकते हैं, तो फिर ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करके आप अच्छे से वहाँ पे फिर भौतिक इच्छाएं कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं जरूरत नहीं है, आप वहाँ पे रहिए, भगवान की कृपा से सारा कुछ सुविधा उपलब्ध है, आप प्रचार कर सकते हैं साधारणतः। क्लियर जी प्रभु? वही अंतर पूछ रहे हैं कि जैसे कोई बहुत जैसे कि हम लोग हैं कि जो भौतिक इच्छाओं के साथ भक्ति कर रहे हैं अभी। नहीं, भौतिक इच्छाओं के साथ भक्ति नहीं कर रहे, ये चीज ध्यान देना पड़ेगा, भौतिक इच्छाओं के साथ नहीं कर रहे। हम अपनी इच्छाओं को कृष्ण की, हम अपनी इच्छाओं से कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, आप बाहर रह के भक्ति करेंगे, आप कृष्ण के लिए आरती करने के लिए जो दिया है वो कहां से कर देंगे? ऐसे आप कृष्ण के लिए जो दिया है वो कहां से कर देंगे, ठीक है। आप भगवद गीता कहां से कर देंगे, आप भागवतम कहां से कर देंगे? तो पैसे ना, अंततः आपको पैसे तो चाहिए इन सारे कार्यों के लिए। देखिए एक बहुत सुंदर बात कह रहे थे कि भक्ति तो करनी है, भक्ति करनी है, लेकिन ऐसा सिचुएशन भी ना रहे कि हमारे पास कृष्ण के आरती के घी खरीदने के लिए पैसे ना हो, ऐसी सिचुएशन भी नहीं आनी चाहिए, है ना। के लिए पैसे, क्लियर? वही प्रभु, हाँ प्रभु, लेकिन वही अंतर समझना था कि जैसे कोई व्यक्ति मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर ले जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसको उसको गीता का ज्ञान मिलता है बहुत जगहों से, चाहे वो पढ़ता है, साधारणतः मिल सकता है, तो वो जैसे अर्पित नहीं कर रहा है क्योंकि वो पूर्णतः साधु रूप में है, अब उसके पास कुछ नहीं है। नहीं देखिए, ये आपका प्रश्न मैं समझ रहा हूँ, आप जो इंगित करना चाह रहे हैं, भक्ति तो करनी है प्रभु जी, लेकिन ये चीज ध्यान देखते हुए कि परंपरा में रहते हुए हमें भक्ति करनी चाहिए, विद एसोसिएशन भक्ति करनी चाहिए, ठीक है, और नियमानुसार जो शास्त्रों में वर्णित है उस प्रकार से भक्ति करना चाहिए। मनगढ़ंत नहीं भक्ति होनी चाहिए, फिर वहां पे क्या होती है, मनगढ़ंत भक्तियां हो जाती है, समझ गए। मुख्य यह है कि वहां पे मनगढ़ंत भक्तियां हो जाती है। अब देखिए फिर किसी परंपरा के साधु में, किसी परंपरा के भक्त में ऐसी सिचुएशन नहीं होती। क्लियर? ये परंपरा में भक्ति है, और वो पता नहीं एक व्यक्ति बहुत सुंदर एक प्रभु से बात कह रहे थे कि एक बार एक व्यक्ति इस्कॉन में थे पहले, वो फिर कहीं बाहर चले गए, और बाहर में जाने के बाद कहीं से दीक्षा ले लिया प्रभु जी ने, उसने फिर प्रभु जी को फोन किया कि प्रभु जी मेरी दीक्षा हो गई। प्रभु जी ने पूछा ओके किन से हुई, कैसे हुई, तो उन्होंने बताया कि प्रभु जी हाँ ऐसे ऐसे दीक्षा हो गई। तो उन्होंने फिर पूछा क्या कौन से संप्रदाय से, तो बोलते कि प्रभु जी उस संप्रदाय के नहीं है, वो रसिक संत हैं। प्रभु जी कहते हैं कि रसिक संत है तो रसिक संतों की संप्रदाय नहीं होती? बोले नहीं प्रभु, रसिक संतों की संप्रदाय नहीं होती। ऐसा कहते हो कैसे हो सकता है भाई कि रसिक संतों की संप्रदाय नहीं हो? अब चैतन्य महाप्रभु से भी कोई ज्यादा रसिक है क्या कि संप्रदाय नहीं है? चैतन्य महाप्रभु से कौन रसिक ज्यादा है, और चैतन्य महाप्रभु क्या संप्रदाय में नहीं है? संप्रदाय में रहते हुए भी देखिए रसिक संत है महाराज, क्या रसिक संत नहीं है? संप्रदाय में रहते हुए भक्ति कर रहे,
ठीक है ये। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, नमन प्रभु जी का एक प्रश्न है। नमन प्रभु जुड़े हमारे साथ? जी ये साथ में ही हैं। ओके पूछिए प्रभु। हाँ प्रभु, मेरा सवाल था कि जब मैं एसोसिएशन में नहीं आया था ना, अगर उस समय को बताया जाता ना कि तुम प्रभु के दास हो, तो मैं शायद यकीन नहीं था। लेकिन मैं जैसे जैसे वक्त मेरा बीता है ना, तो अब मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन है। तो मेरा सवाल है कि ये कभी कभी ये मन नहीं मानता है, यकीन नहीं करता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। कभी अभी अभी चल रहा है प्रवचन, तो अभी ये जो वाइब है उसमें मेरे को एहसास है, लेकिन ये एहसास कभी छूटता है कभी आता है। तो बस यही सवाल है कि कभी कोई मन में, हाँ कभी कोई मन में नहीं आता है, और कभी कोई ये सवाल उठता है कि सच में मैं कृष्ण का दास हूँ या नहीं हूँ। ओके बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, जब मैं कृष्ण के दास के विषय में चर्चा कर रहा था, उसमें हमने एक और पॉइंट नोट किया, नोट कराया था आपको, जिसमें मैंने प्रश्न किया कि ये भावना हमारे हृदय में कब होगी और कब ये मजबूत होगी हमारी भावना, जब हमारा हियरिंग श्रवणम मजबूत होगा। ये ऐसी भावना इसलिए हो रही है प्रभु क्योंकि आपने एसोसिएशन अभी तक से मेरे ख्याल से 2, 4, 6, 8, 10 बार ही किया है। जब आप रेगुलर संग करेंगे भक्तों का, एसोसिएशन में रहेंगे, जब आपका श्रवणम बहुत अच्छा रहेगा और आप जो अभी जप कर रहे हैं उस जप को बहुत अच्छे तरीके से लेके जाएंगे, तो ये भावना रहेगी। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको कभी कभी तो लग रहा है कि कृष्णा के आप दास हैं या फिर हम दास हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब इसी भावना को कंटिन्यू करना है, संकल्प लेना है, और इस बात को ध्यान रखिए, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, यही है। क्योंकि दासत्व तो हमें स्वीकार करना ही है प्रभु जी, दासत्व तो हमें स्वीकार करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप या तो कृष्ण का दास बनिए या फिर भौतिक जगत के माया का दास बनिए। इट्स अपॉन यू, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड है कि आप कृष्ण के जगत, जो पूरे जगत के स्वामी है, उसके दास बनना चाहते हैं, या फिर इस जगत में जो छोटे मोटे व्यक्ति हैं उसके दास बनना चाहते हैं। क्या आप अपनी पत्नी, क्या आप अपने पति, क्या अपने बच्चों, क्या अपने आप रिलेटिव्स के दास बनना चाहते हैं, ये ठीक है, उनके भी आदेश को मानना चाहिए हमारा, लेकिन कर्तव्य निर्वाह करते हुए। और ओरिजिनल जो प्रेम होना चाहिए कि मैं दास हूं कृष्ण का, इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए, मैं दास हूं कृष्ण का, इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, देखिए दास तो हम है ही, यदि हम कृष्ण का दास स्वीकार नहीं करेंगे तो हम माया का दास बनेंगे, मतलब भौतिक लोगों का दास बनेंगे। ऑर्डर तो आपको फॉलो करना ही है प्रभु जी, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है संसार में जो ऑर्डर फॉलो नहीं करता, आपके ऊपर डिपेंड है, आप कृष्ण का फॉलो करो या फिर क्लियर। और इसको हमेशा बनाए रखने का बेस्ट वे है कि आप श्रवणम अच्छे से करें, एटलीस्ट गीता क्लास डेली श्रवण करें, और उसके साथ साथ क्या जपा जो आपने अभी शुरू किया है उसको एकदम कंटिन्यूस रखें। क्लियर, और कोई प्रश्न? क्लियर है ना आपके क्वेश्चन? आपके मन में कोई और संदेह है इस विषय में तो बता सकते हैं। नमन प्रभु, जवाब मिल गया। ओके आप इस प्रभु आप कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत। Can I offer book during Bhagavad Gita class? Will it be beneficial? Bhoga. Yes. You can offer, and you want to distribute it or you want to eat yourself? Eat myself. Yes, you can offer it. No problem. You can offer it, but if you want, then you can offer it also later or before Bhagavad Gita class, that you will not. Okay? Okay, brother. Before Bhagavad Gita class and after Bhagavad Gita class, you can take it. No problem. Okay, brother. Done with me. Any more question? Okay. Should we stop here?
जी प्रभु जी हरे कृष्णा, मेरा एक क्वेश्चन था। यस प्रभु बोलिए। मेरा प्रशांत जी के ही मैं क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा कि क्या गृहस्थ जीवन जीते हुए अपन उतना कंट्रोल पा सकते हैं इंद्रियों पे, क्या उतना मतलब भक्ति में लीन हो सकते हैं जितना कोई ब्रह्मचार्य में रहता है? यस प्रभु। ध्यान देने वाली बात यह है, शायद आप फर्स्ट टाइम ये क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, इससे पहले हमने ऑलरेडी ही ज्वाइन किया है, बताया गया है कि ब्रह्मचरिता या फिर ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना अपने आप में भक्ति नहीं है। ब्रह्मचारी जो है, ब्रह्मचरिता जो है, वो मदद करता है हमें एक क्या कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, मतलब फीचर टाइप का कुछ है जो हमारी भक्ति में हमें सहायता करता है। ब्रह्मचारिता कभी भक्ति नहीं है, ध्यान रखिए, वो हमें सहायता करता है भक्ति में सिंपली। और आप देखिए अमरीश महाराज के जीवन में, अमरीश महाराज तो बहुत बड़े भक्त हुए। प्रहलाद महाराज को देखिए, भक्तराज भक्ति शिरोमणि, उनसे बड़ा कोई भक्ति नहीं हुआ, गृहस्थ है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी नियमित करना बहुत बड़ी बात है, ये करना चाहिए, जिसके ऊपर हम लोग कल चर्चा किए हैं। आप पूर्व के क्लास को देखिए, आप YouTube पे ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। जी धन्यवाद हरि। और इसके लिए बहुत कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट हमें अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा देना है। ओके जी, और कोई प्रश्न? और जो भक्त नए आए हमारे साथ, वो अपना नंबर हमें यहाँ पे मैसेज में लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, और ताकि आपको आगे के नोटिस में। ओके, शुड वी स्टॉप हियर? ओके प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, जय श्री श्री राधा माधव की, जय श्री श्री, जय श्रीमद् भगवद गीता। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे।